दोस्तों वर्ल्ड कप 2019 का दूसरा मुकाबला भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया। मैच शुरू होते ही रोहित शर्मा ने रचा इतिहास, तोड़ा सचिन का रिकॉर्ड। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल क्रिकेट देखो जी में। दोस्तों अगर आप भी रोहित शर्मा को एक खतरनाक बल्लेबाज मानते हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों विश्व कप के 14वें मैच में रविवार को टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक खास रिकॉर्ड अपने नाम किया है। जहाँ दोस्तों आप सभी को बता दी कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज बेहतरीन मुकाबला खेला जाएगा, जिसमें भारतीय टीम का बेहतरीन प्रदर्शन दिखकर आया है। भारतीय टीम ने 50 ओवर में बेहतरीन तरीके से बल्लेबाजी करते हुए 352 रनों का लक्ष्य ऑस्ट्रेलिया की टीम को दे दिया है। दोस्तों इस मैच को लेकर रोहित शर्मा ने बड़ा इतिहास रचा है और सचिन तेंदुलकर जैसे महान खिलाड़ियों का भी रिकॉर्ड तोड़ा है। दोस्तों आप सभी को बता दी कि अपनी अर्धशतकीय पारी के शुरुआती 20 रन बनाते ही रोहित ने वनडे करियर में अपने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे तेज 2000 रन बनाने वाला खिलाड़ी बन गया है। जी हां दोस्तों, यह एक भारतीय टीम के लिए बड़ी खुशखबरी है। इस मामले में हिटमैन ने टीम इंडिया के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड भी तोड़ा है। बता दी कि सचिन ने यह कमाल 40 पारियों में किया था, वहीं रोहित शर्मा ने 2000 रन बनाने का कारनामा किया 37 पारियों में ही कर दिखाया है। इस मामले में हिटमैन ने टीम इंडिया के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बता दी कि सचिन ने यह कमाल 40 पारियों में किया था, वहीं रोहित शर्मा ने 2000 रन बनाने का कारनामा 37 पारियों में किया है। दोस्तों भारतीय टीम के लिए यह बहुत बड़ी खुशखबरी हो सकती है और खास तौर से रोहित शर्मा भी बहुत खुश हो सकते हैं। दोस्तों रोहित शर्मा के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इस वीडियो को दिल से शेयर करें और भारतीय टीम के लिए सपोर्ट करें।